गाते गाते पलछन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की, हंसते गाते पलछन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। खट्टे मीठे जज्बातों की जीत हार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की, हंसते गाते पलछन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। सवा चार बज गए। आप शायद पूछेंगे कि मुझे कैसे पता, इतने सालों से वीरेंद्र प्रताप को जो जानता हूं, पहले से ही वक्त के बड़े पाबंद रहे हैं ये। बाबूलाल उठो। थैंक यू। कुलसुम दीदी कितने बजे आऊंगे? 4:30। कमाल है, घड़ी देखे बिना आपने इतना सही वक्त कैसे बता दिया? सारी दुनिया जानती है कि बाबूजी अपने वक्त के कितने पाबंद हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर बाबूजी कभी भी अपने वक्त से पीछे नहीं होते। लोग तो अपनी घड़ियां अक्सर बाबूजी के वक्त से मिलाते हैं, और तू इतने साल से यहाँ रह रहा है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? जी हाँ, कुलसुम सही कह रही है। कुलसुम ही है जो अपने बाबूजी की देखभाल इतने सालों से करती आ रही है। वैसे अगर पूछे कि कुलसुम कौन है, यह तो मैं भी नहीं जानता, पर बहुत सालों से इस घर में रह रही है। घर के हर काम में वीरेंद्र प्रताप का हाथ बटाती है, उनके परिवार का एक सदस्य बन गई है। हां बिल्कुल, परिवार। वीरेंद्र प्रताप के 4 बच्चे हैं, पर इस वक्त वो बिखर गए हैं। सबसे बड़ा बेटा शैलेंद्र अपनी पत्नी शीला और बेटी मीता के साथ अहमदाबाद रहते हैं, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बड़ी बेटी किरण अपने पति हरि छड्डा के साथ दिल्ली रहती हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। उनका एक बेटा है सूरज, जो पूना में एमएससी कर रहा है और साइंटिस्ट बनना चाहता है। तीसरी है गायत्री, जो एक फैशन डिजाइनर है और बंबई में रहती है। गायत्री के जिंदगी का एक ही मकसद है, 1 करोड़पति इंसान से शादी करना। और सबसे छोटा बेटा है रंजीत, वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। और नहीं जनाब, रंजीत के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। Thank you.
लगता है कनेक्शन में ही कोई खोट है। लगता है मेल और फीमेल का मिलाप ठीक से नहीं हुआ। खोटा वो मिल गया। अरे स्वीटी तुम यहां कैसे? वही मैं यहां कैसे? मैं यहां नहीं आ सकती। ऑफ कोर्स आ सकती हूं, पर ऐसे अचानक? मुझे पता था तुम भूल जाओगे। आज तुमने मुझसे 10 बजे सुबह मिलने का वादा किया था। 10 बजे से मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारी राह देख रही हूँ। 2 घंटे वहां बैठी रही मैं। How stupid! तुम सही कह रहे हो। I am stupid. लेकिन अब मैं बहुत होशियार हो गई हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ था ना, वो अब खत्म हो गया। तुम सुन रहे हो ना? तुमने कुछ कहा? अच्छा, तो अब ये नौबत आ गई है कि मेरी बातें सुनने का तुम्हारे पास वक्त भी नहीं है। तुम भूल रहे हो मिसेस सूरज चड्डा कि ये जो एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो ना, वो मेरे कारण है। वरना तुम्हारे पिताजी तुम्हें उनके ट्रांसफर बिजनेस में कब से लगा देते। तुम्हारे मम्मी डैडी हमारी शादी के लिए राजी क्या हो गए? तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं रही। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और ना ही आज मैं तुम्हारे साथ गांव जाऊंगी। देखती हूँ कि तुम अपने मम्मी डैडी को क्या जवाब दोगे। मुझसे ज्यादा प्यार तुम इन एक्सपेरिमेंट से करते हो ना, तो ठीक है, रहो तुम इन एक्सपेरिमेंट्स के पास। आई एम लीविंग, आई एम गोइंग फॉर एवर सूरज। गुड बाय फॉर एवर। सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूं? गलती कहां आ रही वो ही नहीं समझ पड़ रहा। कौन सा कनेक्शन लूज है? हेलो, ओ हाय मम्मी। हाँ मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? क्या गाँव स्वीटी के साथ? हाँ आ जाऊंगा। डोंट वरी मम्मी, बाय। स्वीटी के साथ मैं गांव क्यों जा रहा हूं? ओह माय गॉड, स्वीटी तो चली गई। हेलो स्वीटी, रुको स्वीटी। ओ जी, बात की अपने पुत्र से? हाँ। उसने याद था? ऑफ कोर्स याद था, मेरा बेटा भुलक्कड़ नहीं है। ओ ना जी ना, भुलक्कड़ कैसे हो सकता है? त्वाड़ा पुत्र जो है महाराज, है जी। खेच लो जितनी टांग खेचनी है, लेकिन जिस दिन उसके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो जाएंगे तब देखूंगी क्या कहोगे। अब कुछ नहीं होना। होना क्या है? ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता है। त्वाड़े पुत्र नु लगता है वो भी, वो क्या नाम था जी उसका, न्यूटन। अपने बेटे नु लगता है वो भी न्यूटन है। उसको लगता है कि एक दिन उसके सर पे भी सफरचंद गिरेगा और वो भी वर्ल्ड फेमस का साइंटिस्ट बन जाएगा। पर बंदे को ये नहीं मालूम कि सफरचंद गिरने के वास्ते कश्मीर या शिमला जाना पड़ता है जी। कर लो जितना मजाक करना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस एक बार स्वीटी घर में बहू बनकर आ जाए ना, तो देखना सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा महाराज, है जी? कुछ ठीक नहीं होना है। तुम्हें लगता है कि कुड़ी घर आ जाएगी तो यह बंदा सुधर जाएगा? क्यों, तुम नहीं सुधरे शादी के बाद? अजी मेरी बात होर थी, हैं जी? मैंने कोई ये पागल साइंटिस्ट तो नहीं ना बनना था। और एक बात है,
मैं भी एक दिन देखना चाहता हूं कि वो कौन पागल कुड़ी है जो मेरे पुत्र से शादी करना क्यों होया तुसी हंस क्यों रहे हो मुझे हमारी मंगनी की याद आ गई जानते हो तुम्हारे पिताजी ने भी यही कहा था ओए वो कौन सी पागल कुड़ी है जो मेरे पुत्र से शादी करना चाहती है ठीक है अब तुसी छेती करो देर हो रही है हंसो ना कड़ी वीरेंद्र प्रताप ने अपने बच्चों को इसी गांव में बड़ा किया और पढ़ने शहर भेजा उन्हें ये उम्मीद थी कि बच्चे एक दिन वापस गांव आकर बसे उनकी तरह लेकिन ये ना हुआ और वीरेंद्र प्रताप उनमें से हैं जो ये मानते हैं कि भारत का भविष्य उसके गांव में है इतने पढ़े लिखे और पैसेदार होकर भी हरिपुर में एक साधारण जिंदगी गुजार रहे हैं गांव वालों के लिए तो वो देवता समान है अगर आप उन्हें मिले तो वो इतनी सादगी से पेश आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये करोड़पति करोड़पति कीजिए असल में मैं नहीं जानता मैं क्या ये खुद नहीं जानते कि उनकी जायदाद कितने की है सावित्री आज मैं बहुत खुश हूं बहुत खुश हूं जानते हो क्यों आज हमारे सारे बच्चे घर आ रहे साथ साथ पोते और पोतियां भी बच्चों की आवाजें हमारे घर में गूंज उठेगी आज बरसों बाद आज हमारे घर में जान आ जाएगी काश सावित्री आज तुम होती तो तुम भी उतना ही खुश होती जितना कि आज मैं खुश हूं सावित्री तुम जानती हो मैं क्या करना चाहता हूं तुम मेरे साथ हो ना देवी जी ये आप क्या कर रही हैं आप मेरे साथ पिताजी से मिलने गांव जा रही हैं किसी कॉकटेल पार्टी में नहीं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम सू के दो अरे खास के तुम समझ पाती अरे पर ससरे से मिलने जा रही हूँ जरा बन संवर के तो जाना चाहिए ना अच्छा जी बन संवर के जाना चाहिए आपको क्या लगता है कि आपके सन्ने संवरने से पिताजी सारी जायदाद आपके नाम कर देंगे सू खबर शायद दे भी दे ओ शायद दे भी दे अरे पर जल्दी कीजिए देवी जी मुझे फ्लाइट नहीं मिस करनी है अरे पर तुम्हें मारे पाछल क्यों पड़े हो अपनी लाडली डिग्री से तो कुछ नहीं कहते हूँ चौकस कहूँ छू कि वो अभी तैयार भी न थी माय गॉड ये भी प्रॉब्लम है अच्छा आप तो तैयार होइए मैं उसे लेकर आता हूँ मैं तो तैयार ही हूँ चल यही पहन लेती हूँ मीता मीता अरे मीता 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 क्या बात है बेटा क्यों रो रही हो पापा क्या हुआ बेटा क्या हुआ मेरा बच्चा बताओ क्या बात है पापा हाँ उसने जो किया वो अच्छा नहीं किया किसने क्या किया पापा हैरी ने मैरी को छोड़कर टोरी से शादी कर ली टोरी मेरी कौन हैरी ओ पापा आपको तो कुछ पता ही नहीं हैरी मिलर वो नीली आंखों वाला हैंडसम नौजवान वो मैरी टिलर से प्यार करता था दोनों की शादी होने वाली थी अरे भाई लेकिन कहाँ पापा कहानी में देखिए ना पापा कितना हैंडसम है ना हैरी मिलर बेवकूफी मत किया करो तुम इन रोमांटिक नॉवेल्स ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है आज से नो मिल्स एंड बूंस समझी और अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुई चलो गेट अप गेट रेडी इन 5 मिनट्स और खबरदार अपने बैग में अगर मिल्स एंड बूंस रखा है समझी गेट अप नीता गेट रेडी सून ओके साहब वो चोपड़ा साहब से मिलना है उनसे कह दो मैं घर पे नहीं हूं समझे मैं जानता था आप यही कहेंगे व्हाट डू यू मीन और बगैर मेरी इजाजत आप यहां ऊपर कैसे चले आए आप में तमीज नहीं है आप बेकार नाराज हो रहे हैं और रही तमीज की बात तो खुद देख लीजिए अपने आप को और फिर दूसरे को कहिए अगर आप में थोड़ी सी भी तमीज होती तो आप मीरचंदानी साहब के पैसे कब के लौटा दिए होते
और मुझे भी आपके यहाँ बार बार पैसे मांगने आना अच्छा नहीं लगता। चोपड़ा, मैं हजार दफा कह चुका हूँ कि मैं पैसे वापस लौटा दूंगा, समझे? मगर कब? देखिए शैलेंद्र जी, एक साल होने को आए और मिर्चंदानी साहब के 25 लाख में से 25 पैसे भी अब तक नहीं दिए, और मैं उनकी ओर से चेतावनी लेके आया हूँ, अगर 15 दिन के अंदर आपने उनके 25 लाख नहीं लौटाए तो कोर्ट जाएंगे, और अगर वो कोर्ट गए तो जानते आपका क्या हाल होगा, 5-10 साल कैद हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी बंद हो जाएगी। यार चोपड़ा, तुम खाम खा तिल का तार राई का पहाड़ बना रहे हो दोस्त। मैंने कई दफा कहा है कि मैं मीर चंदानी साहब के 25 लाख रुपए सूद समेत वापस कर दूंगा, और वो भी 15 दिन में। जो काम एक साल से कर नहीं पाए वो 15 दिन में कैसे करेंगे? कहीं बैंक में डाका डालेंगे क्या? चोपड़ा, बैंक में डाका डालने की बात नहीं है दोस्त, मैं अपने पिताजी के घर जा रहा हूँ। शायद तुम नहीं जानते, वो बहुत पैसे वाले आदमी है, मैं उनसे लेकर तुम्हें दे दूंगा, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाबूजी, गायत्री दीदी अकेले आ रही हैं। क्यों, साथ में कोई आने वाला था क्या? बाबूजी, मैंने सुना है कि वो किसी रईस आदमी के साथ शादी करने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि वो शायद उनको भी अपने साथ ले आए आपसे मिलवाने के लिए। गायत्री और शादी? कभी नहीं। हाय डार्लिंग, यू लुक सो हैंडसम। हैंडसम? लगता है तुम चश्मा पहनना भूल गई हो। मैं चश्मा नहीं, कॉन्टेक्ट लेंस लगाती हूँ। आई सी। भाई तो तुम्हारा सारा सामान कहाँ है? सूटकेस, बैग वगैरह सब नहीं चला है क्या? गायत्री, देखो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे डैडी का जन्मदिन 15 दिन बाद है, करेक्ट? करेक्ट। तो फिर इतनी जल्दी वहां जाकर करोगी क्या तुम? है? मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोगों से मिल लो, और खास कर मेरे डैडी से। अगर उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया तो हम लोग शादी कर लेंगे। शादी? ओह कम ऑन गायत्री, यू नो तुम जैसी मॉडर्न लड़की जब शादी की बात करती हो बड़ा अजीब लगता है। शादी इज ओल्ड फैशन। मैं मॉडर्न जरूर हूँ, लेकिन कुछ मामलों में, शादी के मामले में मैं तो दी ओल्ड फैशन हूँ। गायत्री, जानती हो ये एक ही बात है जिसमें हमारे विचार बिल्कुल नहीं मिलते। अब तो मैं इतने दिनों से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मानती नहीं। कितनी अच्छी बात है ना कि कहीं तो हमारे विचार नहीं मिलते, वरना लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। नहीं, ओके ओके ओके, तुमसे इस बात पर बहस करना बेकार। केडी, डोंट गेट सो अपसेट। गायत्री, क्यों ना तुम कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ प्लीज। इसका मतलब है कि तुम साथ नहीं चलोगे? नहीं गायत्री, वो क्या है ना कि अब इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, उसे यूं ही तो छोड़कर नहीं जा सकता ना। एंड अगले हफ्ते कुछ फॉरेन क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आई जस्ट कांट लीव देम ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना ही होगा। पर हाँ, अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सको तो शायद। मदद? हाँ। अरे स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मांग कर तो देख लो। तुम सचमुच मेरी मदद करोगे? अरे जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए, जाने मन, जरा पूछ के तो देखो। केडी, मुझे 15 लाख चाहिए थे। क्या? मुझे 15 लाख रुपए चाहिए थे। 15 लाख? केडी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तुम्हें याद है वो मैंने अपने बुटीक खरीदने के लिए एक शॉप को पैसे दिए थे 10 लाख रुपए? याद है। अब उसकी इंस्टॉलमेंट की आखिरी तारीख है, मुझे 15 दिनों में वो पैसे चुकाने पड़ेंगे, वरना वो 10 लाख भी मेरे हाथ से जाएंगे और वो दुकान भी। प्लीज केडी। गायत्री, मैं समझता हूँ पर यू नो, एक बार मेरा बुटीक खुल जाने दो, उसके बाद देखना गायत्री फैशंस का नाम सारे देश में होगा। तुम मेरी मदद करोगे ना? गायत्री, पर इतना सारा, देखो तुम सोचो तो जरूर हो सकता है। गायत्री, 15 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, यू नो, अब इतना सारा पैसा तो मैं अपने पास नहीं रखूंगा ना गायत्री। यानी तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं मदद करना चाहता हूँ पर ओह गॉड, देखो आई हैव एन अपॉइंटमेंट, मुझे जाना ही होगा। ओके बाय स्वीटहार्ट, टेक केयर, आई विल कीप इन टच विद यू। ओके बाय, सी यू। बाय। 15 दिन में 15 लाख कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? डैडी, डैडी अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कुलसुम,
पता नहीं ये गायत्री और रंजीत का क्या होने वाला है, लेकिन मुझे गायत्री से ज्यादा रंजीत की फिक्र है। जाने वो कब सपने देखना बंद करेगा। मैंने रंजीत के बारे में बताया था ना, तो ये है रंजीत। ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। एक्टर बनने की इच्छा में ये खुद को भूल चुके हैं। इनमें हिंदी फिल्म के कई एक्टरों की आत्माएं बसी हैं। ये इसी उम्मीद में है कि एक दिन इनके पिताजी इन्हें फिल्म बनाने के लिए पैसा देंगे जिसमें ये हीरो होंगे। जब भी पिताजी को मिलते हैं तो नई फिल्म की कहानी बताने में जुट जाते हैं। पिताजी, पिताजी, सलाम पिताजी। जीते रहो बेटे। कैसे हो? बस ठीक हूँ पिताजी, लेकिन आज मेरे पास एक स्टोरी आइडिया है और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और आपको सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ क्यों ले? ए, तुमने साहब वो पिताजी, एक छोटा सा शहर, वहां एक ईमानदार मजदूर अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता है। हंसता खेलता हुआ उनका परिवार एक दिन अचानक मजदूर की मौत हो जाती है। माँ बेटों पर दुखों का पार टूट पड़ता है। वे घर से बेघर हो जाते हैं, मालूम बिल्कुल। एक तूफानी रात में मां अपने बेटों को लेकर बारिश और तूफान का सामना करते हुए बंबई की तरफ निकल पड़ती है। पिताजी, वीरू और शत्रु एक दूसरे को पहचान लेते हैं क्योंकि उनके गले में वही लॉकेट है जो बचपन में मेले में उनके पिताजी ने खरीद के दिए थे। वो एक दूसरे के गले मिलते हैं। इतने में डॉन और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। सारा शहर मुझे डॉन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, इन दोनों को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो ताकि लिक्विड इन्हें जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन इन्हें मरने नहीं देगा। आराम ज़्यादा कुत्ते कमीने, एक बार इन हाथों को खोल, एक एक चुन-चुन मारूंगा, चुन-चुन के मारूंगा। नहीं भाई नहीं, ये मेरा शिकार है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, जिस राख से बनी बारूद को शत्रुघ्न कहते हैं। इतने में गोली की आवाज सुनाई देती है। डॉन को गोली लगती है और डॉन मर जाता है। गोली चलाने वाली और कोई नहीं, इन दोनों की बदनसीब माँ है जो पहले से पुलिस लेकर वहां पहुंच गई थी। 20 साल बाद दोनों बेटे और माँ आपस में मिल जाते हैं। क्या इमोशंस है, क्या स्टोरी है, क्या ड्रामा है। बहुत अच्छी स्टोरी। थैंक यू पिताजी। पिताजी, आप मुझे इस फिल्म के लिए फाइनेंस करेंगे ना? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाख। बस सिर्फ 50 लाख? हाँ पिताजी, 50 लाख में क्या नहीं करूंगा। 10 लाख में डायरेक्टर को दूंगा, 10 लाख यहाँ वहाँ खर्च करूंगा, बाकी के पैसे मैं खुद रख लूंगा। एक भी आर्टिस्ट को पैसा नहीं दूंगा, लेकिन सुपरहिट फिल्म बनाऊंगा। मैं अभी 50 लाख लाया। लो। थैंक यू पिताजी, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर हीरो बन गया हीरो, मिस्टर जीरो बन गया हीरो, हो गया चमत्कार। क्या हुआ पिताजी? गाते पल छिनके संसार की, रिश्तों में
गुथी कहानी परिवार की, हंसते गाते पल छिलके संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। खट्टे मीठे जज्बातों की जीत हार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की, हंसते गाते पल छिलके संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की।